हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास इलेवेंथ नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बल्क मॉडलॉस ऑफ इलास्टिसिटी ये क्या कहता है व्हेन स्ट्रेन इज स्मॉल देन द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन इज कॉल्ड द बल्क मॉडलॉस ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी इट इज डिफाइंड एज बी अब देखिए किसी ऑब्जेक्ट को जैसे हमने लास्ट टाइम एक वायर में वेट अगर डाला जाए तो उसको खींचने पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात की थी कि उसकी लंबाई में कितनी वृद्धि हो रही है अब किसी में अगर प्रेशर अप्लाई किया जाए किसी ऑब्जेक्ट में तो उसके वॉल्यूम में भी तो परिवर्तन हो सकता है तो उसके वॉल्यूम में जो परिवर्तन होगा उसको हम वॉल्यूम स्ट्रेन बोलेंगे माना इनिशियल वॉल्यूम जो है बॉडी का वी था उसमें प्रेशर अप्लाई किया गया तो उसके वॉल्यूम में चेंज आ गया डेल्टा पी का तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा नॉर्मल स्ट्रेस मानी क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया एफ अपॉन ए उसी को हम प्रेशर बोलते हैं पी वॉल्यूम स्ट्रेन क्या हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी इसमें निगेटिव साइन दिख रहा होगा आपको निगेटिव साइन क्यों लगाया गया क्योंकि जब प्रेशर डाला जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ने की बजाय वॉल्यूम घटेगा हम उसको प्रेस कर रहे हैं ठीक है तो जब वॉल्यूम कम हो रहा है तो उसमें निगेटिव साइन आएगा अगर वॉल्यूम बढ़ रहा होता तो पॉजिटिव साइन आता बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या कहलाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन मॉडुलस के लिए हमेशा यही होगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन स्ट्रेन यंग मॉडुलस में भी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन था लेकिन लॉन्गिट्यूडनल था स्ट्रेस ना तो बी इज इक्वल टू स्ट्रेस कितना दिया है? हमने पी स्ट्रेन कितना है माइनस डेल्टा बी अपॉन वी इसको रिवर्स करके ऊपर ले आइए वी ऊपर आ जाएगा माइनस पी वी अपॉन डेल्टा वी वेन पी इज पॉजिटिव प्रेशर पॉजिटिव होगा तो वॉल्यूम निगेटिव होगा यानी कि प्रेशर अगर पॉजिटिवली पड़ रहा होगा ऐसे प्रेशर डाला जा रहा होगा ऑब्जेक्ट के द्वारा प्रेशर रिलीज नहीं किया जा रहा होगा तो प्रेशर पॉजिटिव तो वॉल्यूम में निगेटिव वॉल्यूम कम हो जाएगा अगर प्रेशर निगेटिव तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा अंडरस्टैंड तो इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी एसआई यूनिट डायमेंशन होंगे एम एल माइनस वन टी माइनस टू अब एक नेक्स्ट टर्म आती है इसमें कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा जितना कम किसी का बल्क मॉड्यूलस होगा उतना ज़्यादा वो कंप्रेसिबल होगा यानी कि इन्वर्स ऑफ इन्वर्स ऑफ या रेशी ऑफ रेशी ऑफ बल्क मॉड्यूलस इज नोन एज द कंप्रेसिबिलिटी इसको बीटा से डिनोट करते हैं बीटा इज इक्वल टू वन अपॉन बी यानी कि उल्टा कर दोगे तो यहाँ क्या था माइनस पी वी अपॉन डेल्टा वी था यह आएगा माइनस डेल्टा वी अपॉन पी वी अब इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या होगा वो होगा मीटर स्क्वायर पर न्यूटन और डायमेंशंस होंगे एम माइनस वन अगर आप इसके डायमेंशंस को लिखो तो आपका क्या ऐसा बनेगा एम माइनस वन एल टी स्क्वायर ये उल्टा होगा ना इसका रेसिप्रोकल अब देखो कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है गैसेज की गैस के पार्टिकल को सबसे ज्यादा हम कंप्रेस कर सकते हैं फिर लिक्विड की लिक्विड को भी सम एक्सटेंट तक कंप्रेस किया जा सकता है सॉलिड जार नेग्लीजिबिली कंप्रेसिबल सॉलिड को कंप्रेस करना बहुत कठिन होता है नहीं कर सकते हैं हम ना के बराबर कर सकते हैं तो इस प्रकार की इसको कंप्रेसिबिलिटी कहा जाता है अब जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है वो आपका हट गया है इस साल फिर नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में